Focus. Ideate. Innovate. Enable. Yes Bank and CNBC TV 18 present the Growth Summit Vision for a $10 trillion economy in association with Max Life Insurance. Now we have an exciting conversation fueled with tales of inspiration, motivation and sheer sportsmanship. And for that, I would first like to invite on stage CNBC TV 18's Shruti Mishra to conduct our marquee conversation. Ladies and gentlemen, now it is a matter of privilege for me to welcome on stage an international cricket icon who has represented the nation in all cricketing formats. Please join me in welcoming with a huge round of applause Mohammad Shami of the Indian cricket team. Shami, aaj hum Ahmedabad mein hain aur kuch 3 mahine pehle puri Bharatiya cricket team aur aap World Cup finals ke liye hain aaye the. टीम मैच नहीं जीती पर आप सब ने हमारा दिल जीता. क्या यादगार वर्ल्ड कप था, 10 अनबीटेबल मैचेस और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी आपसे मिले थे, कैसा लगा था आपको उस वक्त? जहाँ तक जर्नी का सवाल है वर्ल्ड कप की, एक यादगार, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि यादगार रही है, हम लोगों के लिए एक लाइक एनी स्पोर्ट्समैन का एक ड्रीम होता है एक कि हम लोग वर्ल्ड कप खेलें. और वर्ल्ड कप अगर ऐसा जाता है जैसे हम लोगों ने 2024-23 वाला वर्ल्ड कप खेला है. मैं 15 में भी वर्ल्ड कप खेला, 19 में भी वर्ल्ड कप खेला और ये 23 में भी वर्ल्ड कप खेला, तो कभी समझ में नहीं आता था वर्ल्ड कप आने के बाद नींद क्यों नहीं आती. तो सोचता ही था हमेशा कि हाँ कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है. लेकिन जब बाहर देखते थे ना तो लोगों का प्यार दिखता है कि हाँ ये लोग कितना प्यार कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पता होता है कि वर्ल्ड कप है, एक कंट्री की जिम्मेदारी है, आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, आपको मैच जीतना ही पड़ेगा. और फिर प्रधानमंत्री जी से भी आप मिले थे, वो मोमेंट थोड़ा सा यार कहते हैं ना कि टूटी हुई दिल के टाइम पे है, वो बहुत ज़रूरी था उस टाइम. और वो साहस मिला, वो कॉन्फिडेंस मिला, एक लीडर के नाते उन्होंने जो अपना वो 5 मिनट का जो रोल प्ले किया, वो हम लोगों को ओपन किया. एक ब्लाइंड हो गए थे हम लोग कि समझ में नहीं आ रहा था कि एक टाइम पे हमें कोई रोकने वाला नहीं है. बिल्कुल. और सडनली 2 घंटे में हम पूरे 2 महीने की मेहनत हमारे सामने से ऐसे चली गई. तो उस टाइम एक ज़रूरत थी शायद. बिल्कुल ज़रूरत थी और हम सब, पूरा देश आप लोगों के साथ है और हमेशा रहेगा. आप वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में नहीं थे शमी, हार्दिक पांड्या को चोट लगी थी, फिर आप आए थे और आप क्या खेले, क्या रिकॉर्ड्स बनाए, 4 5-विकेट हॉल्स इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री और फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 50 विकेट्स इन अ वर्ल्ड कप. आपने ऐसा सोचा था जब आपकी वर्ल्ड कप में एंट्री हुई थी कि ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स बनेंगे? नहीं, ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि यार जब हम आते हैं इस फील्ड में आते हैं या किसी भी बिजनेस में जब जाते हैं तो हमारे ड्रीम्स होते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम टारगेट नहीं कर रखते हैं कि हाँ हम ये कर पाएंगे या हम कर लेंगे या हमसे हो जाएगा. बट एक उम्मीद होती है, एक अपने पे बिलीव होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. अहमदाबाद का शमी, आपसे बहुत गहरा नाता है, गुजरात टाइटन्स टीम में आप हैं, आपकी टीम 2022 में आईपीएल जीती, 2023 में आप फाइनल्स तक पहुंचे थे. इस बार टीम में नए कैप्टन हैं शुभमन गिल, आपकी उनकी कैप्टनसी और आपकी टीम इस तरह का, किस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है अब इस बार अंडर द न्यू कैप्टन? देखिए, जहां तक नई टीम के साथ सवाल होता है, सबसे पहले साल जब ये लोग आए तो सबने यही बोला था नई टीम है. मुझे लगता है यहाँ भी आधे लोगों ने तो यही कहा होगा, सारे बॉलर इकट्ठे कर लिए हैं. लेकिन उस टीम ने जो चेंजेस दिखाए आपको, जो आपके दिमाग को, जो आपके दिमाग से खेली वो टीम, वो चैम्पियन होकर रुके. अगले साल सेम टीम थी, सेम फाइनल गए हम. जब फाइनल, वो लक में शायद नहीं था, बट आप विनर बोल सकते हो. हाँ जी, बिल्कुल. चलिए अब बात करते हैं आपके हम्बल बिगनिंग्स की. आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं, काफ़ी मुश्किलें झेलकर, मेहनत करके आप आज विश्व के स्तर पे इतने अच्छे तेज़ गेंदबाज हैं. क्रिकेट से प्रेम कब और कैसे हुआ? नहीं, ये पता नहीं चला, ये खुस गया अचानक से, क्योंकि तो किसने बोला कि अब यही? जब मैं छोटा था तो भाई लोग खेलते थे, तो सैटरडे संडे घर आने के लिए मिलता था, क्योंकि फैमिली वैसे, माहौल भी वैसा ही था, वहाँ पे विलेज था, लाइक जो पुराने कल्चर हैं वैसा था.
वो शौक अचानक से पता नहीं कहाँ से सैटरडे संडे में ही आ गया अंदर जी, क्योंकि भाई लोग खेलते थे तो बस देखता था मैं ज़्यादातर, कोशिश यही करता कि धूप में ना जाऊँ, क्योंकि धूप में ना जाऊँ अच्छा, बट शौक वो होता ना ब्लड में एक चीज़ होती है बिल्कुल, तो फिर वो पता नहीं चला कि हाँ कैसे क्या हो गया है। अच्छा ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आपको शुरुआत में काफ़ी निराशा का भी सामना करना पड़ा, कोचेस का ना मिलना या टीम में देरी से सिलेक्शन हो, आपको ऐसा लगता है कि टैलेंट होने के बावजूद सिस्टम कहीं ना कहीं निराश कर देता है? देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको चैलेंज देंगी लाइफ में, क्योंकि आप जब आपके पास टैलेंट होता है, आपको पता है टैलेंट है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको चैलेंज करेंगी लाइफ में, तो नहीं लगता कि आपके अगर लक, आपकी मेहनत और आपका लक अगर आपके साथ है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक पाएगा, तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि आप अपने आप को अपने गेम से लॉयल होकर आपने अपना मेहनत करते रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप मेरे लक को कोई मेरे लक से छीन सकता है। यू नो आपके अंतर्राष्ट्रीय करियर की अब बात करते हैं, शुरुआत काफ़ी धमाकेदार थी, 9 विकेट्स पहले ही टेस्ट मैच में, फिर आपने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा था, क्या एक अच्छी शुरुआत में ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस बढ़ा देती है, पर दूसरी तरफ क्या वो दबाव भी डालती है उस परफॉर्मेंस को मेंटेन या और अच्छा करने के लिए, और आप परफॉर्मेंस प्रेशर से कैसे डील करते हैं? हाँ शुरुआत के लिए देखिए हर किसी को ज़रूरत होती है कि अच्छी शुरुआत करे, ना कि स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, लाइफ में, एक अच्छी शुरुआत की हर आदमी उम्मीद करता है, तो वो उम्मीद तो हमेशा से हर इंसान को होती है, लेकिन जहाँ तक एक परफॉर्म करने का सवाल है, तो आपको देखिए अगर आप चेंज नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी परफॉर्म चेंज होगी, आप अगर हमेशा सेम रहेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादातर आपको परफॉर्म निकल कर आएगी हमेशा से। शमी आप मुझसे यहाँ पे बात कर रहे हैं पर मैं जानती हूँ कि आपका मन राजकोट में है जहाँ इंडियन टीम अभी खेल रही है और चोट लगने के कारण आप अभी नहीं खेल पा रहे हैं, हम आपको कब वापस मैदान में देखेंगे और कितना मुश्किल होता है खिलाड़ी को चोट लगने के कारण बाहर बैठना और टीम खेल रही है? देखिए मुश्किल तो यार काफ़ी होता है क्योंकि दिमाग में आती हैं चीज़ें, क्योंकि जब आप 24/7 जब गेम की बातें करते हो, जब गेम में रहते हो आप दिन रात, जब आप खेल रहे होते हो तो आपको रुकना ऐसे लगता है कि हाँ बोरिंग सा हो जाता है, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ द गेम है, आप इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर इस चीज़ को अगर आपने मेंटली थोड़ा सा अपने ऊपर चढ़ने दिया तो आप ज़्यादा प्रेशर में आ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से ये पार्ट ऑफ द गेम मानकर, लाइफ का पार्ट मानकर, या अपने स्पोर्ट्स की एक पार्ट मानकर आप कर सकते हैं इस चीज़ को कंप्लीट, क्योंकि जितना कम सोचोगे इस बारे में उतना अच्छा है, और जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तो आता जाता रहा हूँ, मेरा तो रिश्ता है चोट से, तो फास्ट बॉलर बना हुआ तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। अच्छा और बात हो रही है राजकोट में टेस्ट मैच की, तो अश्विन ने 500 विकेट का रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, क्या आप बोलना चाहेंगे उस पर? देखिए सबसे पहले कांग्रेस बोलना चाहूँगा उसको, क्योंकि 500 विकेट ड्रीम होते हैं यार, सीरियसली 500 विकेट लेना कोई मजाक बात नहीं है यार, लेजेंड लोग होते हैं जो 500 विकेट लेते हैं, क्योंकि ये एक दिन की जर्नी नहीं है ये, क्योंकि जब ग्राउंड से लेकर आसमान छूने तक की जब आपको सक्सेस मिलती है तब जाके 500 विकेट पूरे होते हैं, तो ये उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं चाहता हूँ कि वो आने वाले करियर में, अपने जीवन में, जितना भी वो क्रिकेट खेले, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारी खुशियाँ मिले। बिल्कुल शमी आपको खेलते हुए लगभग 11 साल हो चुके हैं, आप आज सिर्फ क्रिकेट के ही एम्बेसडर नहीं हैं बल्कि भारत के टैलेंट को दर्शाते हैं, अर्जुना अवार्ड के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और वो कौन सी खूबियां हैं, बिल्कुल एक बार ताली तो अर्जुना अवार्ड के लिए बनती है। थैंक यू यार, ये मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ ये चीज़ खूबी नहीं है, आप एक ही चीज़, मैं हमेशा, मुझे भी बोर हो जाता है यार फिर बार बार दोहराते हुए कि हमेशा मैंने यही कहा है, कभी कभी हमारी फैमिलीज़ अपने बच्चे के टैलेंट के अगेंस्ट में पुश करती हैं, हमारे अंदर टैलेंट कुछ और होता है, तो मैं फैमिलीज से भी हमेशा यही बोलता हूँ कि अपने बच्चे के टैलेंट के प्रति उसी साइड पर उसको पुश कीजिए, उसे ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस मिलेंगे, तो मैं यही कहता हूँ अपना टैलेंट पहचानिए, अपने टैलेंट पे वर्क करिए, अपनी बॉडी को पहचानिए, अपनी बॉडी के हिसाब से वर्क कीजिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि अपने टैलेंट, अपनी क्षमता के हिसाब से वर्क करना, डजंट मैटर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपनी एबिलिटी से करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होने के चांसेस है, मैं ये मानता हूँ।
Yes Bank and CNBC TV 18 present the Growth Summit Vision for a $10 trillion economy in association with Max Life Insurance. Yes Bank and CNBC TV 18 present the Growth Summit Vision for a $10 trillion economy in association with Max Life Insurance. हमारे साथ आप कुछ अपने ऑन फील्ड मेमोरेबल मोमेंट्स अगर कुछ बता सकते हैं जिससे आपके करियर पे काफ़ी असर हुआ. अपने इंडिया में एडवाइस तो फ्री की मिलती है, वो तो पता है. तो हम घर बैठे बैठे भी देते हैं, वो फील्ड पे भी मिल जाती है, समझे. तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. मेमोरीज तो यार बहुत हैं. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, या कभी कभी ऐसा हो जाता है हम शोल्डर डाउन कर लेते हैं. तो वहाँ पर दिखता है कि आपके टीम मेट्स कैसे आपके साथ वर्क करते हैं. तो वो मेमोरीज़ आपको याद रहती हैं. बहुत बहुत टाइम ऐसा होता है हमें मार लग रही होती है, तो हमारे जो टीम मेट्स होते हैं वो हमें साथ लेके चलते हैं. कभी कभी ऐसा होता है उनको कुछ नहीं मिल रहा होता तो हम साथ लेके चलते हैं, आज तेरा दिन नहीं है हमारा दिन है. तो वो मेमोरीज़ आपको याद रहती हैं हमेशा. कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात हुई हो, कोई कॉन्वर्सेशन जो आपको अभी याद आ रही हो. माही भाई के साथ हुई थी एक न्यूजीलैंड में. एक्चुअली कुछ नहीं हो रहा था, पार्टनरशिप लग रही थी, मैकलम खेल रहा था. मैंने एक बॉल डाला विराट को, फिर उसी बॉल पे मैं विराट को बोला इधर खड़ा हो जा भाई, आ जा. वो आया, बॉल डाला और उसी बॉल पे कैच छूटा उसी फील्डर से. विराट को लगा तेज़ आएगा, वो स्लो आया, वो छूट गया वहाँ पे. उसके बाद मैकलम ने हमें अच्छे से धोया. तो पहले दिन हम सोच रहे थे कि नहीं यार छूट जाता है, पार्ट ऑफ द गेम है. दिन ख़त्म होने तक बोले नहीं यार पकड़ सकते थे. नेक्स्ट डे लंच हो गया, फिर जब टी हुई तो उसको बोलते नहीं यार छोड़ना नहीं था तुझे. फिर जब दूसरा दिन खत्म हुआ, हमने ढाई दिन फील्डिंग किया था, तो वो खुद से ही कह रहा था बहुत ही गलत छोड़ा है. तो ये वाकई याद रहते हैं. ये जो फील्ड पे कन्वर्सेशन होती है ना, तो ये आपको याद रहती है कि हमसे कहाँ गलती हुई थी, हमने कहाँ पे अच्छा किया था. तो वो सब याद रहता है हमेशा. जी, जहाँ पे हम ऑन फील्ड कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहे हैं, वहीं चेंजिंग रूम गॉसिप पे आते हैं. जब टीम हारती या जीतती है तो कैसा माहौल होता है, और कोई मज़ेदार किस्सा चेंजिंग रूम का, कोई वाक्या आपको याद आ रहा हो? नहीं, ऐसा शिखर बहुत फनी है, आपको पता ही है शिखर करता है वो हरकतें वैसी. तो सब लोग जैसे मैच वैच हार के आ जाते हैं, बैठे हैं सब चेंजिंग चेंज करके, अपना सामान पैक कर रहे हैं या कुछ खा रहे हैं. वैसे शिखर का ऐसा है कि कुछ अलग करना है उसको. ज़ोर से हंस देगा, बहुत ज़ोर से हंसेगा, हा हा करके. बोले भाई क्यों हंसे? बोले हम हार गए. बोले भाई हमको पता है. तो वो ऐसी हरकतें करता है. कभी भी टेबल पे खड़े होकर डांस करने लगेगा, पंजाबी सॉन्ग लगा देगा. तो वो चीज़ें ड्रेसिंग रूम में एक माहौल बनाती हैं. लाइक हम भी उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप देखो हार जीत लगी रहती है. आप जब साल के 12 महीने खेल रहे होते हैं तो आपको हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, अच्छे मैच की फाइट्स भी मिलेंगी, तो वो सब चीज़ें लगी रहती हैं. लेकिन ड्रेसिंग रूम में किसी का सर ऐसे नहीं होता कि हाँ नीचे झुक जाएगा या कोई बहुत ही सैड मूड में चला जाएगा. अच्छा, आपने शमी बहुत नामी क्रिकेटर्स के साथ खेला है, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली. आपने इन सब के आगे आई एम श्योर आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी इन सब के करियर्स के साथ, इन सब के साथ खेलने की. कोई कुछ आप ऐसा शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, कोई ऐसी बात जो इन सीनियर्स के साथ आपको कुछ सीखने को मिली? डे वन जब मैंने क्रिकेट मतलब जब इंडियन टीम ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ पता नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है. तो टीम मीटिंग था मैच से एक दिन पहले, ऐसे स्क्रीन लगी हुई थी, सब दिखाते हैं ना अपोनेंट टीम का. जी, जब डोर से अंदर आया तो एक तरफ से जब देखना शुरू किया तो कोई नाम ऐसा नहीं था जो ड्रीम में नहीं आया, वो सारे नाम. अच्छा, शांति से आके चुप बैठ गए हम. अब उनमें से युवराज सिंह कहते हैं ज़रा चेयर पे खड़े हो जाओ. उनके सामने कौन बोलेगा भाई. खड़े हो गए, बोले अब स्पीच दो. फिर क्या थी वो स्पीच? नहीं, जो था वो भूल गया था. अच्छा. सामने सारे वो सब जो नाम आप गिना रहे हो ना A to Z, हाँ. सारे बैठे थे ऐसे, हाँ. जो कभी टीवी पे देखे हों और वो सामने बैठे हों तो क्या.
फिर बोल नहीं पाया कुछ मैंने, भाई मेरा नाम ये है, यहाँ से हूँ, वैसे हूँ, सारी चीज़ बताकर मैंने, भाई आज कुछ नहीं बोल सकता इसके अलावा क्योंकि याद नहीं ना, फिर सब भूल गया मैं. तो ऐसे ही मेरे साथ फील्ड पे हुआ था जब पहला मैच टेस्ट मैच खेला था मैं. तो अच्छा प्रिपरेशन था, सारा कुछ था, हम नॉर्मल जस्ट ऐसे लग रहा था सब दोस्त हैं. जब ग्राउंड पे पहुंचे, जब बॉल मेरे हाथ में आई तो सचिन बाजी इधर खड़े थे, वो वॉक करते हुए आए और कंधे पर हाथ ऐसे करके रख दिया, मुझसे कह रहे हैं क्या सोच रहा है, मैंने जो था वो भूल गया. बोले मतलब, मैं बॉल डालने के लिए तैयार खड़ा हूँ, आके शोल्डर पर हाथ रख दिया, क्या सोच रहा है. तो जो सोचा था वो भी भूल गया. मैंने पाजी सही बोलो, मैं सब कुछ भूल गया. बोले जो करता है वही कर बस जी. तो ये चीज़ें सब मतलब कुछ सीखने को मिलती है, कुछ जानने को मिलती है जी. और पहले भारत टेस्ट मैचेस जीतता था अपने बल्लेबाजों के लिए, बल्लेबाजों की वजह से, स्पिनर्स की वजह से. अब जब से आप, बुमराह और तेज़ अच्छे गेंदबाज आए हैं, तो भारत अब चाहे विदेश हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे इंटरनेशनल ग्राउंड हो, हम जीत रहे हैं मैचेस. ऐसा क्या हो गया है कि तेज़ गेंदबाज अब छाए हुए हैं? यार देखते हैं, हम देखते आए हैं हमेशा से, जब हम मतलब इंडियन क्रिकेट को जब हम देखते थे तो हमेशा हर आदमी, हर बच्चा बैट पकड़ना पसंद करता था. ये हकीकत है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, जो पहले खेलते थे वो भी जानते हैं. तो अगर आँख खुलकर कोई गेम पसंद आया तो बैट ही पसंद करता था कि हाँ मुझे बैट पकड़ना. बॉल कोई नहीं पसंद करता था क्योंकि गधा मजदूरी का काम है वो, तो उसको कोई नहीं चूज़ करता था. लेकिन ये अभी की जनरेशन में, मीन्स लाइक 2015 के आसपास से जो हम लोगों ने बाहर जीतना शुरू किया है, 2014-15 के बाद हमारी जो यूनिट बनी है, अब हमें दिखता है वो कि यहाँ आकर 2024 में जो हम लोगों का परफॉर्म रहा है, या फिर 2024 से पहले 8-10 साल जो रहे हैं हम लोगों की जो यूनिट रही हैं, जैसे लोग बैट पकड़ते थे वैसे बॉल पकड़ना हम लोगों ने भी आज की उसमें क्रिएट कर दिया है. तो वो चेंजेस आपको दिखे हैं, दुनिया को दिख रहे हैं वो चेंजेस, के जो लोग ये सोचते थे ना कि हाँ इंडिया की बैटिंग है, इंडिया को आउट करना है जी, मार तो हम लेंगे, लेकिन आज वो सोचते हैं कि हम आउट ही करना है, लेकिन इनसे बचना भी है. तो वो चीज़ उनके दिमाग में अब सेट हो गई है कि इंडिया एक ही डिपार्टमेंट में स्ट्रांग नहीं है, कि जितनी स्ट्रांग उनकी बैटिंग है उतनी ही स्ट्रांग उनकी बॉलिंग है. तो हमने वो बॉक्सेस टिक किए हैं हमेशा, जिनकी शायद ज़रूरत थी इंडिया टीम को. एंड थैंक्स टू यू, जो इतना बड़ा चेंज हम देख रहे हैं अब लोगों में, और जैसे आपने कहा कॉम्पिटिशन में भी. आप आज जिस मुकाम पर हैं और इतनी कीर्तिमान बनाए हैं, रिकॉर्ड बनाए, इतना कुछ हासिल किया है, क्या अब आप अपने आप को एक मेंटर के रूप में देखते हैं? यार बाकी लाइफ भी आप ऐसे करवाओगे? यार ये तो फ्यूचर का तो नहीं पता, काफ़ी यंगस्टर्स भी आ रहे टीम में, क्या आपको लगता है अब आप फ्यूचर का नहीं पता कि हाँ कहाँ ले जाएगा या कहाँ पर हम खड़े होंगे, लेकिन हाँ एक ही चीज़ है कि सपोर्टिव तो रहूँगा, हमेशा सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा वो सोचता हूँ कि जो हमें बचपन में शायद हम ढूंढते थे, या हम एक सपोर्ट के लिए तरसते थे, या हम उस कल्चर के लिए तरसते थे, अगर आज हमारे पास है हम किसी को दे सकते हैं तो वो किसी की लाइफ बना सकते हैं. तो बहुत ज़रूरी है कि हम सपोर्ट करें एक दूसरे का, और अगर टैलेंट है तो उसको ज़रूर सपोर्ट करें. अच्छा, वो कौन से दो गेंदबाज हैं जिनसे आपको बहुत प्रेरणा मिली है? इंडिया में अगर देखेंगे तो देखो, अगर शुरू से अगर हम देखते आ रहे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अगर स्पेशली एक इंसान का अगर नाम लोगे तो मैं ईशांत शर्मा का नाम लेना पसंद करूँगा, क्योंकि उसने जब मैं टीम में आया तो वो इस्टेब्लिश था, अच्छा सेटल था, लेकिन उसने एक ऐसी बाउंडिंग बनाई, उसने एक ऐसी फ्रेंडशिप बनाई कि जो हम उससे आँख मिलाकर बोल सकते थे, वो सीनियर होने के नाते भी उसने एक ऐसा बाउंडिंग तैयार किया, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म बनाया उसने कि मुझे एक भी दिन ऐसा फील नहीं हुआ कि वो सीनियर है. और मैंने कभी इतने अच्छे तरीके से और इतनी बदतमीज तरीके से किसी से बात नहीं की जितनी उससे की है. तो वो आज भी हमारी बाउंडिंग, लाइक हम नहीं भी होते हैं तो हम एक दूसरे का जिक्र करते हैं, हम एक दूसरे का बात करते हैं. तो वो चीज़ एक प्लेयर्स में होना बहुत ज़रूरी है. तो वो मुझे बेस्ट वो लगता है. अच्छा, आपकी सबसे यादगार गेंद, योर ड्रीम स्पेल, जो आपको हमेशा याद रहेगी? वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप
जी अच्छा, आपकी एक बहुत ही प्यारी बेटी है और भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम ऊंचाइयों पे है और आगे ही बढ़ता जाएगा, क्या बेटी बाप के पदचिन्हों पे चलेगी? वैसे ये रिकॉर्ड बहुत खराब रहे हैं अभी तक। सच बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखिए तालियां बज रही है इस बात पर, बट अगर टैलेंट रहा हो उसमें तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे में आपका टैलेंट है और बच्चा जाना चाहता है तो मुझे लगता है पेरेंट्स को भेजना चाहिए। बिल्कुल शमी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अब कौन से नए नए मुकाम हैं जो हासिल करने हैं, कोई रिकॉर्ड्स जिन पे आपकी नज़र है, आप और क्या और करना चाहते हैं? आपने स्लाइटली पॉलिटिक्स मेंशन किया, अभी नहीं जब क्रिकेटिंग करियर ओवर हो तब? नहीं यार देखो, मैं एक चीज़ तो मेरी क्लियर है कि जब तक मेरे अंदर पावर है, जब तक मेरे अंदर स्किल है, तब तक तो मैं यही चाहूँगा कि मैं अपने कंट्री के लिए सर्व करूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए मेहनत करता रहूँ, क्योंकि उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपको आप जब आप ज्वाइन कर रहे होते हो, जब आप स्टार्टिंग कर रहे होते अपने कैरियर की, तो आपको उतनी समझ नहीं होती, आपको जब टीम को आपकी ज़रूरत होती क्रीम की कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए, हमें वो बंदे चाहिए जो हमारी बोन है, तो उस टाइम आपको जब जाना चाहिए जब आपको लगे कि हाँ वो प्लेटफॉर्म सेट हो चुका पीछे, अब मैं किसी को स्टॉप कर रहा हूँ, तो आपको खुद ही निकल जाना चाहिए। मैं वो टाइम का वेट करूँगा हमेशा जी, कि जब मुझे लगेगा कि हाँ मेरे जैसे बंदे बहुत हैं टीम में, अब मैं आराम से जा सकता हूँ, तो मैं हमेशा तभी एग्जिट करने की सोचूंगा। और जहाँ तक गोल का सवाल है, गोल का यार कोई मुझे नहीं लगता लिमिट होती है, हमेशा यही भूख रहती है कि हाँ हम और ब्रेक करें और रिकॉर्ड्स बनाएं, बस यही चाहूँगा कि जितना भी इस जिस्म में जान है मेरे अंदर, मैं कंट्री के लिए सब करता हूँ। जी शमी, हम चाहते हैं आपकी ये भूख बढ़ती रहे, देश के लिए आप ऐसे ही खेलते रहे, नए नए मुकाम हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, थैंक यू इतना दिल से जवाब देने के लिए, थैंक यू सो मच। अभी अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहम्मद शमी, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। Yes Bank and CNBC TV 18 present the Growth Summit Vision for a $10 trillion economy in association with Max Life Insurance. Focus. Ideate. Innovate. Enable.